नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। DSSSB के लिए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस तैयार कर रहे हैं जो आपको यहाँ पर थोड़ी देर में दिखने वाले हैं। आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, उसको देखते हुए मैंने भी ये नोट किया कि ऐसे प्रश्न बनाने में काफ़ी समय लगता है, बल्कि मैं लिखकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न उपलब्ध करवा सकता हूँ। कोशिश यही रहेगी कि परीक्षा तक हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखें, ताकि अगर उनमें से कोई प्रश्न आए तो वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला हमारा वीडियो नोट, ये प्रश्नों से संबंधित वन लाइनर आपका ऐसे कैसे चलता रहेगा। आज शाम को वन लाइनर भी देखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखिए पहले प्रश्न से। देखिए फर्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संज्ञा किस अधिनियम को दी गई। एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन दे दिए गए हैं, देख लीजिए आप हर एक ऑप्शन को। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 1858 का अधिनियम, 1858 का एक्ट। ठीक है, इसको कहा गया एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखिए दूसरा प्रश्न, बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई। ऑप्शन है आपके नीचे, देख लीजिए। तो सही जवाब होगा इसमें ऑप्शन ए, 1773। नेक्स्ट देखिए तीसरा, समाचार पत्र हमदर्द से संबंध किसका था, या हमदर्द के संपादक कौन थे। ऑप्शंस देख लीजिए आप, इसमें सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न, इसके मैं ऑप्शन पढ़ूंगा क्योंकि लेंदी है थोड़ा। प्राकलन समिति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। ये नहीं है, चीजों को परीक्षा में भी ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए इसमें कहता है कि प्राकलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। बी कहता है कि प्राकलन समिति में राज्यसभा के सदस्य सम्मिलित नहीं होते। सी कहता है कि इस समिति के सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से 2 वर्ष के लिए होता है। और फोर्थ है इसमें, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो ये प्रश्न है, इसमें प्राकलन समिति में लोकसभा में 3 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। प्राकलन समिति में राज्यसभा के सदस्य सम्मिलित नहीं होते, ये बात भी सही है। इस समिति का सदस्यों के चुनाव प्रतिवर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय माध्यम से मत से 2 वर्ष के लिए होता है, तो ये गलत है, 1 वर्ष के लिए होता है, 2 वर्ष के लिए नहीं होता। तो इसमें कौन सा प्रश्न, कौन सा आंसर होगा राइट, तो इसके अंदर कौन सा आंसर राइट होगा, ऑप्शन सी कि इसका जो सदस्यों का चुनाव होता है वो 2 वर्ष के लिए नहीं होता, 1 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए पांचवा, संविधान के किस अनुच्छेद में यह सुनिश्चित किया गया है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। जल्दी से ऑप्शन देख लीजिए, सही को माइंड में क्लिक कर लीजिए, ऑप्शन सी इसमें सही है, 124 अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। छठा देखिए, यह किसका कथन है कि भारतीय इतिहास के गौरवशाली दिन बीत गए थे जबकि देश में एक शक्तिशाली केंद्र सरकार थी, और सबसे दुर्भाग्यशाली वे दिन थे जब केंद्रीय व्यवस्था नष्ट हो गई थी, यह कथन किसका है। जी हाँ, इसमें आएगा ऑप्शन सी, यह कथन अंबेडकर का है। सातवां देखिए, पुष्पिन खेलना उतना ही अच्छा है जितना कि कविता पाठ पढ़ना, यह किसने कहा। ऑप्शन ए, बेंथम ने। नेक्स्ट देखिए, राज्य अंततः मुरझा जाएगा, यह कथन किसका है। जल्दी से ऑप्शन देख लीजिए और सही आंसर अपने माइंड में क्लिक कर लीजिए, इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन बी, एंजेल्स। नेक्स्ट देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी पुस्तक किसकी है। सही आंसर इसमें क्या है, हेयक, ऑप्शन ए। ठीक है, दसवां देखिए, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, हमने वन लाइनर में बहुत बार बात कर ली इसकी, सही आंसर पे माइंड क्लिक कीजिए, ऑप्शन ए हीगल सही है इसमें। रूसो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 10,000, बी ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट देखिए,
सिक्स बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक किसकी कृति है? किसकी कृति है ये? बोंदा की। नेक्स्ट देखिए, 13वां संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, यह कथन किसका है दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए नीचे हैं। सही आंसर होगा इसमें विलोबी। नेक्स्ट देखिए, मैं और भय दोनों जुड़वा भाई हैं, यह कथन किसने कहा? क्या आएगा इसमें? हॉब्स। हॉब्स ने कहा था मैं और भय दोनों क्या हैं? जुड़वा भाई। लास्ट प्रश्न देखिए इसमें, 15th, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रचना किसकी है, बहुत प्रसिद्ध है, किसकी है दोस्तों? इसमें सही आंसर आएगा रूसो। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रचना किसकी है? रूसो की। तो इस वीडियो नोट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में। वीडियो नोट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा।